नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इसी चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड, एक्चुअली जिस कंपनी को हम लोग MCX नाम से जानते हैं। तो देखिए कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है अभी तक फाइनली इस क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया। तो जो रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं 9th ऑफ फेब्रुवरी, डेट को याद रखना 9th ऑफ फेब्रुवरी कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट को पब्लिश करेंगे और वो भी Q3 का, क्योंकि इस क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। की इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले मैं कंपनी के प्रीवियस क्वार्टरली डेटा दिखा देता हूँ। देखिए प्रीवियस क्वार्टर में सेल्स बहुत शानदार हुआ था। सेल्स होने से कुछ भी नहीं होता क्योंकि कंपनी अगर एक्सपेंस ज्यादा कर बैठे तो कंपनी का प्रॉफिट तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो वही कंपनी किया था, यहाँ पे देखिए 63 करोड़ से 195 करोड़, और देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में चला गया, और उसके बाद देखिए अभी नेट प्रॉफिट जो है 63 करोड़ से 19 करोड़ नेगेटिव में चला गया। तो इसका मतलब कंपनी की जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो एक्चुअली प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा घूम फिर कर लॉसेस में चला गया। तो अभी ये देखना है कि कंपनी Q3 में रिजल्ट किस तरीके से कर रहा है। अगर Q3 में रिजल्ट ठीक ठाक हुआ तो चलो ठीक है, अगर रिजल्ट खराब हुआ तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कंपनी के रिजल्ट खराब होने वाले हैं। तो आप कहेंगे सर क्या आप सब कुछ पहले से ही जान चुके हैं, क्या आप अंतर्जामिनी है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो टिल टू मंथ मतलब करंट जो ईयर चल रहा है उसमें कंपनी का जो सेल्स देखने को मिला 588, एक्सपेंस को कंपनी मिटाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो कितना पॉजिटिव में होगा वो अभी देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है छोटा मोटा प्रॉफिट हो सकता है, कोई इसका कोई 100% गारंटी नहीं है। तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर इंतजार कर रहा हूँ। देखिए जो टेक्निकली चार्ट प्रेजेंस बना है बहुत दिनों के बाद, देखिए इतना लंबा जर्नी होने के बाद, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे कप विधान प्रेजेंस बनने के बाद फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, एक ही रेंज के ऊपर। जब एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड किया उसके बाद देखिए फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी क्या किया, कंपनी यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है। तो रिटेस्ट करने के बाद अगर फिर से रिबैक करे तो एक बड़ा सा धमाका देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ जब लंबा जर्नी करने के बाद एक जगह पे बहुत दिनों तक होल्ड करे और इस होल्डिंग के बाद ब्रेकआउट करे और वो भी वॉल्यूम के साथ, तो सोचिएगा कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो मैं इसीलिए इंतजार कर रहा हूँ कि क्वार्टरली रिजल्ट भी आ जाए और उसके साथ साथ ब्रेकआउट मिले तो एक हायर पॉसिबिलिटी होगा एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने का। तो मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट तक वेट करूंगा, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है उस तरीके से रिजल्ट आने वाला है। बाकी देखिए MCX के ऊपर आपको एक बात और भी याद रखना होगा कि MCX ने जिस तरीके से कैपेक्स को इंक्रीज किया, इस बार कंपनी टोटल जो कैपेक्स को इंक्रीज किया वो एक्चुअली देखा जाए तो कैपेक्स ना के बराबर है। सिर्फ 74 करोड़ के आसपास कंपनी कैपेक्स को इस बार अनाउंस किया, तो कैपेक्स बहुत कम है, मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर ज्यादा निवेश नहीं किया है। और मजेदार बात ये भी है कि कंपनी इसके ऊपर जो फाइनेंशियल डेटा है वो अगर देखेंगे तो कंपनी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ किया ईयर ऑफ ईयर बेसिस, और 3 साल में और 5 साल में, और उसी बेसिस में कंपनी का ROC एंड ROE दोनों में ही उतना खासियत नहीं है। मान लेता हूँ कंपनी का कर्जा डेप्थ है तो ये पॉइंट कंपनी के लिए बेस पॉइंट है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट प्रेजेंस बना उसके ऊपर डेटा को रिसर्च करके आप काम करना, ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर काम नहीं करना। तो आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IRFC, रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये एक ऐसे जबरदस्त कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत पहले से स्टडी कर रहा हूँ और कंपनी देखते देखते 2,17,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप पहुंच चुके हैं। कुछ ही दिन पहले इस कंपनी का मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला था जो आज बन चुके 2,17,000 करोड़ के आसपास। देखिए मार्केट कैप इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि शेयर प्राइस भी जाम हो रहा है। एक टाइम इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था, चलो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता। देखिए जितने सारे डेटा था प्रीवियस मेरा, जितने सारे ट्रेड था उसको क्लियर कर दिया, चलो अभी क्लियर आपको देखने को मिलेगा। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था, कोविड के बाद इस कंपनी लिस्टिंग हुआ था तब इसका प्राइस था सिर्फ 22 रुपीज के आसपास, और आज कहाँ पे है, आज इस कंपनी का प्राइस देखने को मिला है करीबन 200 रुपीज के आसपास। तो 22 रुपीज से 200 रुपीज एटलीस्ट आप देखेंगे तो
कंपनी 7 to 8 times रिटर्न जनरेट करके दिया है। और यहाँ पे देखिए फाइनली मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी के यहाँ पे जो कप बना था उसके बाद एक रेंज भी यहाँ पे क्रिएट किया, एक होल्ड किया, यहाँ पे देखिए कुछ टाइम होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से एक 30% का टारगेट मिला था मुझे। और उसके बाद मैं फिर से इंतजार कर रहा हूँ और एक रेंज क्रिएट करे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो एक बड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से काम करना चाहते हैं, किस तरीके से इस कंपनी को देखना चाहते हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करिए, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ शानदार तरीके से देखने को मिला है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए जो लोग यहाँ पे डायरेक्टली बाय सेल करना चाहेंगे तो उसके लिए मैं एक बात कहूंगा कि कभी भी फोमो बाइंग में एंट्री मत लेना, क्योंकि हर कोई एंट्री ले रहा है, चलो मैं भी ले लूँ, ऐसे बिल्कुल मत करिए। कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके काम करिए। अभी देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से हो रहा है वो मैं आपको एक झलक दिख रहा हूँ, मतलब दिखाना चाहता हूँ। जैसे ROE रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी 12 से 13% के एवरेज लास्ट 5 years तक दिखने को मिला। उसी तरीके से नेट प्रॉफिट के मार्जिन के बारे में बात करूँ तो लास्ट ईयर में 26% और 3 साल में 28% और 5 साल में 25% के आसपास यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में 3 साल में 5 साल में नेट प्रॉफिट जो मार्जिन है वो हाई ग्रोथेबल मार्जिन देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। देखिए कंपनी का अगर प्रॉफिट में कोई चेंजिंग नहीं है, कंपनी प्रॉफिट को अच्छा खासा मेंटेन कर रहा है, उस बेसिस में कंपनी को तो अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा ना। तो रही बात इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट का, तो वो रिजल्ट अभी तक फाइनली अनाउंसमेंट नहीं हुआ, रिजल्ट कब आने वाला है तो उसका डेट भी यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं किया गया। तो जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि कंपनी का जो रिजल्ट है मुझे ये देखना है कि कंपनी का NPA किस तरीके से कंपनी कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि कंपनी मार्केट में जितना पैसा एज अ लोन के हिसाब से दे रहा है वो 100% पैसा मार्केट से उठा पाते हैं। तो यही कंपनी का सबसे बड़ा खासियत पॉइंट है, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले सारी चीज़ों को देखिए। और हाँ, अभी आप कहेंगे सर मैं क्या करने वाला हूँ, मतलब मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट करके एक लंबा सा जर्नी दिखाया तो मैं यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए एक स्ट्रांगली यहाँ पे कुछ टाइम बिताना चाहिए, कुछ होल्ड करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो मैं जरूर इसके ऊपर एंट्री लेने वाला हूँ। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में जरूर चर्चा करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IRCTC, और एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी, और रेलवे गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि बजट के दिन नेक्स्ट डे में आपको बजट दिखेगा, तो बजट के दिन आपको इस कंपनी के ऊपर सारे कंपनीज के ऊपर किस तरीके से ग्रोथ होगा वो आपको बजट में ही पता चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बजट पेश करने जा रहा है और उस बजट में आपको पता चलेगा कि सारे कंपनीज का किस तरीके से हालत चेंजिंग होने वाले है। तो IRCTC जो है वो इस कंपनी के ऊपर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि IRCTC इंडिया के एक ऐसे कंपनी है जिसका हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है और फ्यूचर में और भी ग्रोथ बढ़ने का चांसेस है। ऐसे बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं 3000 से भी ज्यादा नया ट्रेन जो है, मतलब जो एज ए लॉन्ग ट्रेन जो है, जो रिजर्वेशन ट्रेन है, तो उसको 3000 से भी ज्यादा ट्रेन बढ़ाने वाले हैं। और सोचिए 3000 ट्रेन बढ़ेंगे तो कितना कैटरिंग बिजनेस बढ़ेगा, कितना टिकट बुकिंग का बिजनेस बढ़ेगा। तो इंडिया के दो ही ऑनलाइन टिकट बेचने वाले दो ही कंपनी प्रॉफिटेबल में है, एक है IRCTC और दूसरा है इजीटी प्लानर। बाकी कंपनी कभी कभी प्रॉफिट करते हैं, कभी कभी लॉसेस भी कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले मैं एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कंपनी का कैपेक्स। तो कंपनी कितना कैपेक्स को बढ़ाया आप देखेंगे तो कंपनी पिछले बार जो कैपेक्स बढ़ाए थे वो करीबन करीबन 67 करोड़ के आसपास था, उससे पहले 2022 में सिर्फ 21 करोड़ के आसपास था, अभी वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके 73 करोड़। इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी किया। जैसे देखिए कंपनी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में इस लास्ट ईयर में अभी जनवरी के डेटा के हिसाब से बात करूं तो आप देखेंगे तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी DS ने होल्डिंग को यहाँ पे क्या किया, ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ किया, बढ़ा दिया, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कुछ क्वांटिटी बेचा, और FS ने क्या किया, क्वांटिटी को ऐड किया, और क्वार्टर बेसिस में कंपनी क्वांटिटी को कम किया। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर लगातार बाय करते चले जा रहे हैं, आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। देखिए 7.11% से बढ़ के हो चुके 7.34%। उसी तरीके से DS के बारे में बात करूँ तो 10.53% था, वो बढ़ के हो चुके 11.98%। तो हर कोई इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से देखते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा कर दूं, मैं एक खुद के इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड ले चुका हूं, पहले एक ट्रेड था, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, टारगेट भी अचीव हो गया। तो प्रीवियस ट्रेड को डिलीट कर रहा हूं क्योंकि मेरा पहले जो ट्रेड था वो एंट्री और टारगेट ऑलमोस्ट हो चुके हैं,
तो मैं प्रीवियस ट्रेड को यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। सेकेंड जो ट्रेड बना यहाँ पे, फिर से देखिए एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। और मजेदार बात यही है, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो गया और एंट्री लेवल्स भी मुझे मिल चुके हैं। और मैं टारगेट लेने वालों कहा था 1276 के आसपास, और ये टारगेट निकल के आ रहे हैं करीबन करीबन 39%। और सबसे जो मजेदार और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यही है कि जो टारगेट निकल के आ रहा है कंपनी का लाइफ टाइम जो हाई है, जब कंपनी लाइफ टाइम हाई किए थे उसी रेंज को कंपनी टच करके टारगेट बनेगा। तो हायर पॉसिबिलिटी है कि उसके उसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इजीली वो टारगेट ना दे, धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो आप समझकर सोचकर काम करिएगा, ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर ट्रेड मत करिए, क्योंकि हमेशा आपको सारे चीजों को एनालिसिस करके ही काम करना पड़ेगा। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, और किसी कंपनी के ऊपर आप किस कंपनी के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है DRC सिस्टम इंडिया लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है, 250 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, और कंपनी एक पेनी स्टॉक जैसा है। कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है, बोनस कंपनी देने वाला है 27 फरवरी। कंपनी हर एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए।